कल 31/1/2024 को माननीय जिला जज महोदय मुरादाबाद ने इसके संबंध में एज के निर्धारण के संबंध में जो मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहाँ आया था उसमें जजमेंट दिया है। क्या जजमेंट? दो डेट ऑफ बर्थ का इनका मामला था। इनकी डेट ऑफ बर्थ एक ये क्लेम कर रहे थे 1990 की और एक थी इनकी 1993 की। उन दोनों डेट ऑफ बर्थ में जिला जज महोदय द्वारा 1993 की डेट ऑफ बर्थ को सही मानते हुए जजमेंट दिया गया है। कोई बेस माना है कि 1993 सही है और 1990 गलत है? इस मामले में जिला जज महोदय ने इनकी मदर का बयान लिया, इस स्कूलिंग जो इनका सेंट पॉल्स स्कूल का जो जहां ये पढ़े थे, जहां से इन्होंने हाई स्कूल किया, उनके प्रिंसिपल का बयान लिया, नगर निगम लखनऊ और जिस हॉस्पिटल में इनको पैदा होना बताया गया है वहां से रिकॉर्ड तलब करके उनके बयान लिए गए थे। सारे बयान सुनने करने के बाद, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 1993 इनकी एज का सही मानते हुए जजमेंट दिया गया। लेकिन सर ये भी आपको मालूम होगा कि वो कौन सी डेट ऑफ बर्थ सही बता रहे थे? वो अपनी डेट ऑफ बर्थ 1990 क्लेम कर रहे थे। तो यानी कि अभी एक तो गलत है इसमें? जी हाँ, दोनों में से एक गलत है और जो जिला जज महोदय ने अब एज का निर्धारण करके जजमेंट दिया है इसकी कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फाइनल सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन जहाँ तक है जिला जज महोदय ने सारी एविडेंस लेने के बाद 1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी है। वकील साहब, ये जो पूरा प्रकरण था, किस प्रकरण के संबंध में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे? सन 2008 का एक मैटर यहाँ था, छजलेट प्रकरण का, जहाँ पे अब्दुल्ला आजम और आजम खान जी के विरुद्ध और उस समय के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, एक मामला दर्ज हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनको यहाँ से सजा हुई थी, दो दो साल की अपील इन्होंने करी। उसके बाद इन्होंने, अब्दुल्ला आजम ने अपने आप को जुविनाइल 18 साल से कम उम्र को दर्शाते हुए जुविनाइल इन्होंने क्लेम किया था। वो सारा मैटर होते होते माननीय सुप्रीम कोर्ट गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज महोदय को निर्देशित किया कि आप एज निर्धारित करके हमें अवगत कराएं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करी थी उसमें क्या कहा था इनकी तरफ से? जहां तक मुझे उसका याद है या जानकारी है, उसमें उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1990 क्लेम की थी। ये पूरा मामला लगभग 3-3.5 महीने माननीय जिला जज साहब की कोर्ट में विचाराधीन रहा और मेरे इस पूरे प्रकरण में मेरा सहयोग मेरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव अग्रवाल व विशेष लोक अभियोजक श्री मोहनलाल विश्नोई जी ने किया। इससे इनके फैसले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इससे पहले फैसला लिया गया था, जो पहले फैसला लिया गया था वो अब दोबारा से अगर ये क्लेम करेंगे जुवेनाइल कोर्ट में जाके तो वहाँ सुनवाई फिर से होगी और दोबारा इनका फैसला आएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।